नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। मध्य प्रदेश में गोवंशों की सुरक्षा, पोषण और पुनर्वास के लिए रीवा जिले के गगियो ब्लॉक अंतर्गत हिनौती ग्राम पंचायत के गदही ग्राम में लगभग 500 हेक्टेयर से अधिक शासकीय और 2000 एकड़ से अधिक जंगली भूभाग में गो अभ्यारण्य बनाए जाने के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मांगा गया है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा क्षेत्र में 750 हेक्टेयर के अधिक जमीन पर बने एशिया के सबसे बड़े गो अभ्यारण्य के बाद रीवा जिले के हिनौती ग्राम पंचायत के गदही ग्राम में 500 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर दूसरा सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। मामले की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से मांगी गई है, जिसमें दिनांक 17 नवंबर 2022 को रीवा कलेक्टर द्वारा प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड भोपाल को लेख करते हुए जानकारी भेजी गई है। आपको बता दें कि मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं गोवंश राइट्स एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी के द्वारा पूर्व में मांग उठाई गई थी, जब 2012-13 के आसपास क्षेत्र में अवैध बाड़े बनाए जाकर गोवंशों के साथ प्रताड़ना की जा रही थी और उन्हें भूखे प्यासे ठंड ठिठुरन बरसात में मरने के लिए छोड़ा जा रहा था। उस समय युद्ध स्तर पर लड़ाई लेते हुए शिवानंद द्विवेदी ने जहां अवैध बाड़ों को तोड़ने और गोवंशों को आजाद करवाने का कार्य किया, वहीं हिनौती के गदही क्षेत्र में 500 हेक्टेयर से अधिक पड़े काश्तकारी योग्य भूभाग पर विशाल गौ अभ्यारण बनाए जाने हेतु प्रस्ताव तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को दिनांक 18 जनवरी 2017 एवं दिनांक 8 फरवरी 2017 को चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन, डायरेक्टर वेटरनरी विभाग मध्य प्रदेश शासन, पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश शासन, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड सहित समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार भेजा जा चुका था। आइए सुनते हैं पूरे मामले को लेकर शिवानंद द्विवेदी ने क्या राय व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत गंगेय जनपद की हिनौती ग्राम पंचायत में गदही नामक स्थान है। यहाँ पर लगभग 500 हेक्टेयर के आसपास काश्तकारी योग्य भूमि है और लगभग 2000 एकड़ के आसपास जंगल से संबंधित भूभाग है। यहाँ पर गौ अभ्यारण्य बनाए जाने का प्रपोजल हमने वर्ष 2012-13 के समक्ष मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी जी के समक्ष और अन्य जो भी विभाग हैं, जैसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया हैं और साथ में पशु संवर्धन बोर्ड है, पशु पालन विभाग है मध्य प्रदेश शासन का, इन सबको हमने दिया था। कारण यह था कि इस क्षेत्र में, न केवल रीवा में बल्कि आसपास कई जिलों में, विभिन्न क्षेत्र में गोवंशों की जो प्रताड़ना है, जैसे इनको अवैध बाड़ों में कैद कर देना, इनके मुँह पैर तार से बांध देना और साथ में इन्हें नहरों, घाटियों और पहाड़ियों से धकेल देना, इस तरह से ये जो प्रकरण चल रहे थे, तो इस पर कैसे अंकुश लगे और कैसे जो किसानों की फसल नुकसानी है वो बचे, उस बाबत इनके पोषण, पुनर्वास और सुरक्षा के लिए गौ अभ्यारण्य बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। ये मामला चलता रहा और इस पर कुछ प्रगति भी हुई और 3 गौशालाएँ हिनौती ग्राम पंचायत में भी बन रही हैं, लेकिन सवाल यह था कि वो जो बड़ा वाला प्रोजेक्ट था उसको कैसे क्रियान्वित किया जाए। इस बाबत अभी हाल ही में प्रयास किया गया और त्योंथर के विधायक श्री श्यामलाल द्विवेदी जी के माध्यम से भी एक पत्र मुख्यमंत्री मंत्री शासन को भेजा गया है और विंध्य किसान परिषद से श्री रोहित तिवारी हैं, जो झोडिया में उनकी गौशाला चल रही है, बहुत अच्छी गौशाला चल रही है, और उनके माध्यम से भी इसमें प्रयास हुए और हम सबके सम्मिलित प्रयासों से एक बार पुनः ये मामला रनिंग में है। और अभी अभी पिछले दिनों 17 नवंबर को 2022 को कलेक्टर रीवा के माध्यम से सीईओ जिला पंचायत रीवा श्री स्वप्निल वानखेड़े जी के माध्यम से, कलेक्टर मनोज पुष्प जी के माध्यम से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश गोपालन पशु संवर्धन बोर्ड को ये बात भेजी गई है सर्वे करवा करके। सर्वे के दौरान हम भी मौजूद थे और एक नए सिरे से एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य बनाए जाने का प्रस्ताव है और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक तरह से एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिससे न केवल गोवंशों की सुरक्षा, पोषण, पुनर्वास उनका होगा, बल्कि किसानों की फसल जो होती है वो बचेगी, जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और हमारे ख्याल से यदि ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है, और निश्चित तौर पर सफल होगा ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है, तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जाएगी।